देश में होने वाले हर छोटे बड़े चुनाव में अपनी सियासी गोटी बिछाने वाली भाजपा एक बार फिर से रणनीति बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी की इस बार की सियासी रणनीति उन मुसलमानों को लेकर है जो अपने बौद्धिक विकास के कारण भाजपा से विपरीत विचार रखते हैं। साथ ही पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय भी हैं जो पिछले कई समय से भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इन्हीं मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को जोड़ने के लिए भाजपा अपनी सियासी गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। इसके लिए भाजपा आलाकमान की तरफ से कदम भी उठाया जा रहा है, जिसके तहत एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को यूपी विधान परिषद सदस्य के रूप में मनोनीत करने का फैसला किया गया है। दरअसल भाजपा जानती है कि पार्टी के ऊपर लगे हिंदुत्व के फ्लैग को हटाने के लिए मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा, जिसके लिए मुसलमानों के पिछड़े वर्ग में पेट बनाने और बौद्धिक वर्ग में पार्टी के खिलाफ बनी धारणा को तोड़ने की रणनीति पर काम करना होगा। इस क्रम में पार्टी पुराने चेहरों से इतर मुसलमानों को नई टीम बना रही है, जिसमें बौद्धिक और पिछड़ा वर्ग से जुड़े शख्सियतों को तरजीह दी जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग का हर वोट हर हाल में हासिल करने की रणनीति बीते साल हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बनी थी, जिसे पीएम के आह्वान पर वोट की परवाह किए बगैर पसमानदा मुसलमानों के संपर्क साधने के लिए रोडमैप तैयार किया गया। भाजपा की सियासी रणनीति को और समझना है तो आप उत्तर प्रदेश में हुए कैबिनेट विस्तार से समझ सकते हैं, जब मोहसिन रजा की जगह दानिश अंसारी को मंत्री बनाया गया। इसके अलावा बीते साल मुख्तार अब्बास नकवी और जफर इस्लाम का राज्यसभा का कार्यकाल न बढ़ाकर उसी साल मोदी सरकार ने गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में मनोनीत सदस्य बनाया। इसके साथ ही शहजाद पूनावाला के रूप में एक तेज सर्रार युवा को पार्टी का प्रवक्ता बनाना और अब प्रोफेसर मंसूर को विधान परिषद में मनोनीत करना कहीं न कहीं बीजेपी की उस स्ट्रेटेजी को दिखाता है जिसके तहत पिछड़ी और मुस्लिम बौद्धिक वर्ग को साधा जा सके। वह इस मुद्दे पर भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि मुसलमानों में पेट न बन पाने की वजह से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग में बनी पार्टी विरोधी धारणा है, जिसके चलते बीजेपी पूर्व पसमानदा और लाभार्थी वर्ग तक योजनाबद्ध तरीके से नहीं पहुंच पा रही। इसके अलावा उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि पार्टी अतीत में मुसलमानों के संदर्भ में अब तक दिखावे की राजनीति कर रही थी, जिसकी वजह से चुनिंदा चेहरों को संगठन और सरकार में अहमियत तो मिली मगर पार्टी को इसका कोई लाभ नहीं मिला। पीएम इस पर पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, यही कारण है कि बीते 9 सालों में नजमा हेपतुल्ला एम जकबर की अहमियत घटी और कई चेहरों को राज्यसभा में दोबारा मौका नहीं मिला। बहरहाल आगामी वर्ष में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रभाव वाले राज्यों की ज्यादातर सीटें पार्टी के पास तो हैं, लेकिन अभी भी तेलंगाना और बंगाल जैसे कुछ राज्यों में अतिरिक्त सीटों की जरूरत है। इसके लिए भाजपा अभी से तैयारी में जुटी है, जिसके तहत पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है। साथ ही 11 अप्रैल को ज्योतिबाबाई फुले और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर देश भर में कार्यक्रम करेगी। इस आयोजन में बीजेपी लोगों के बीच ये साफ संदेश देने की कोशिश करेगी कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए समर्थित केंद्र सरकार देश के हर वर्ग को एक साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं सबके बीच पार्टी नेतृत्व के द्वारा मुसलमानों को भी साथ लाना आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, जिसका तला देश में रह रहे लगभग 14% मुसलमानों के रूप में खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।